नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है हृदयम, और ये मूवी आपको खिसरोटी प्लेटफॉर्म पर क्रिश टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हृदयम एक मार्मिक मलयालम रोमांटिक ड्रामा है जो व्यवस्था और प्रेम की जटिलताओं की उजागर करता है। प्रतिभाशाली अभिनीत श्रीनिवासन द्वारा निर्मित, जिन्होंने पटकथा की लिखी है, ये फिल्म जीवन के बदलाव की एक भावनापूर्ण जोश प्रस्तुत करती है। केरल में सबसे पुराने फिल्म के स्टूडियो में से एक के पुनरुद्धान मणिलैंड सिनेमा से बैनर तले निर्मित हृदयम एक सिनेमाई प्रयास है जो समकालीन दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होते हुए अतीत की श्रद्धांजलि देता है। संगीत विवरण के लिए उसके अनूठे दृष्टिकोण, भारत के आर्टिक सेकेट की सीमित संस्करण विनाइल रिकॉर्ड के फिर से पेश करने के फिल्म को उदासीन आकर्षण और बढ़ा जाता है। प्रणव मोहनलाल, कल्याणी प्रियदर्शन, दर्शन रोजेंद्र सहित शानदार कलाकारों की टुकड़ी और मोहेशम अब्दुल साहब की महत्वपूर्ण संगीत के साथ हृदय विदारम के एक आकर्षक व्यवस्था की कहानी है जो करुण नीलकंदन की के स्वस्था से लेकर व्यवस्था तक की जीवन यात्रा का अनुसरण करती है। ये फिल्म प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है। अरुण के जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के। कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचकों की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक भरोसेमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी चमत्कता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी उनके लिए। एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर, उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया।
क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी, एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी, वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोह कहानी उसके सांस में की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से भरते थे, ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेद्यता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे उस एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी यादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शहर की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की भरा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा, उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसा है, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुप्रिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियारी की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत, उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर रंतना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है, उनकी एकाग्रता निगाहों किताब पर भी। उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे, एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसमें उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिली गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। उथन के अन्याय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मेधता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मृदुता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चिंगड़ी हुई नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था, बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है ये। कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगह था। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार
वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के और उनकी पत्नी निभा बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन और उन दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदय के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचकों की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में निदायम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी उनके लिए। एक उसके लेखन अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्र के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुनाए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संसर्ग, भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी यादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरहों की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की भरा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा, उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन, अपने फुसफुसा है, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली
उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनके समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो अथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियार की उनकी आंखों में मिली किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नजरों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब एक शीर्षक पर एक साझा हंसी एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है, उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी। उसके ठंड होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे, एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सत्रा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसमें उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव किताबों की फर्श पर गिर गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मेधता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मृदुता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनवाई हुई, नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था, बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार नुकसान दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है ये। कैंपस जीवन की जटिलताओं युवा रोमांस के उत्साह दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगह था। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदय के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनों की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नित्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बड़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की
तरह मायावी हो गए थे। फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की बिल्कुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश की टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी ओर आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलेख ने अपरोध की परवाह नहीं की। उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्र के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संसर्ग, भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरहों की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शहर की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की भरा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा, उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता शहर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नजरों की हुई, आंखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग की गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के। उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की, उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समानता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है।
उत्थान के अन्याय की, अपनी ताकत के ललीचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय के अथन में एक संवेदनशीलता की मदद अपार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मृदुता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती गई। चुनवाई हुई नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है ये। कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है। और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के और उनकी पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन और उन दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदय के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचकों की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक भरोसेमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नित्यों वयस्कों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। अथन के खुद को उसकी ओर आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर, उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुए देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रह गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांस में की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुंबन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा। उनके उस
शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था, लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्कारों की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी यादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरहों की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसा है, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुप्रिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई। जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके, उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति, वे किताबों की दुकान पर मिलते गए। किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मृदुता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मृदुता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनौती हुई। नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगरी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है। और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रमाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन और राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है।
एकदम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में विदायम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बड़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी चमत्कता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के न्यूयॉर्क के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे, जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर, उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुए देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रह गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांस में की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संसर्ग, भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी उस सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरहों की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शहर की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन, अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता शहर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नजरों की हुई, आँखों
कोने में कैद छुप लिया, एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है, उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग की गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई, जैसे जैसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की, उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है, थन के अन्याय की, अपनी ताकत के ललचपन खोज की, उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी, बदल में न्याय के अथन में एक संवेदनशीलता की मैदता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनौती हुई, नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे भी, लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था, बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है ये। कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है, और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नित्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआं जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण था, जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे, जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। अथन के खुद को उसकी ओर आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर्षित जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी।
उनके लिए एक उसके लिखने और प्रोत की परवाह नहीं की। उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को। उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते। तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है, तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में। तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी, एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। सबसे सम्मोह कहानी उसके संस्मरण की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा। उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था, लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की भरा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन, अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठनहोंट एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई। जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति, वे किताबों की दुकान पर मिलते गए। किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिसाहित समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मेधता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मेधता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनौती हुई। नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगरी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये
कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है। अरुण के जीवन के विभिन्न चरणों के सहित रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों की भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्क के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म की रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवपना की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बड़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यौट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश की टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर उनकी असुरक्षाओं की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते। तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है, तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो, पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांस्मय की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद है।
जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर सहरन की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है। यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वबेरनों की भी एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और सहरन की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी उसके ठंडहोंट एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिली गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मैदता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनवाई हुई, नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार नुकसान दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन और राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है।
उसके बाद फिल्म में विदायम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नित्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बड़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी चमत्कता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यौट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश की टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रेरक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते, तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोह कहानी उसके सांस में की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर संतों के भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी उस सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन, अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुप्रिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियारे की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले।
अंतन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाहों किताब पर भी उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अंतन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सूत्रा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसमें उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी। संस्करण गलियों में एक टकराव किताबों की फर्श पर गिली गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए। किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समानता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। उत्थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय के अथन में एक संवेदनशीलता की मैदा पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनवाई हुई। नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार नुकसान दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगह था। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन और राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, वयस्कों की लय और कहानियों की सिरपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यौट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। अथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रेरक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर, उनकी असुरक्षाओं की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा।
तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसकी आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते, तुम्हारा जीवन उसकी बड़ी कहानी है, तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो, पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। यह इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी, वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी, नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की भरा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा, उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसा है, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुप्रिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियारे की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत, उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है, उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सूत्रा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसमें उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिली गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके, उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के, उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अनाय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में नए की अथन में एक संवेदनशीलता की मैदता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनौती हुई, नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनके ही बातें चिंगड़ी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में
गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों की भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोर देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म में दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय एक भरोसेमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया। लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यौट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश की टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी एक चिंगारी एक प्रेरक लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे शीछे आदमी को उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन एक कहानी उसके आवाज नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोह कहानी उसके सांसने की थी नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों चुराए गए चुम्बन अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर संसर्ग भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत उनकी विश्वास पात्र उसकी उस सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़ उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है यहाँ तक कि सबसे जिद्दी जिद्दी लेखनियों की भी। एक शाम जब
अपनी छत पर बैठे थे और सूर्य की रोशनी देख रही थी। अथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया, उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा, उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन, अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुप्रिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो अथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियारे की उनकी आंखों में मिली किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नजरों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है, उनकी एकाग्रता निगाहों किताब पर भी। उसके ठंड होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे, एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सूत्रा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिली गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मेधता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मृदुता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनौती हुई। नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनके ही बातें चिंगड़ी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार नुकसान दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन और राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया लेकिन अब जब
वो खाली दुष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। निवर कर अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी यशमत्तता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यौट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की बिल्कुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी उनके लिए। एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्र के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांस में की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संतों की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी उस सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी यादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शहर की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की भरा दिया होता है। एक तो लंबी सांसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन, अपने फुसफुसा है, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर टिमटिमा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुप्रिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियारे की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाहों किताब पर भी, उसके ठंड होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सूत्रा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई। जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके
उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय के अथन में एक संवेदनशीलता की मेधता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मेधता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनौती हुई। नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार नुकसान दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्कों जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदय मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदय के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदय के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचकों की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नित्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी यशमत्तकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यौट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश की टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके लेखन अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्र के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में। तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी, एथन दंग रहा गया। ये
इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेद्यता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी यादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की बढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसा है, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता शहर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुप्रिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियार की उनकी आंखों में मिली किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाहों किताब पर भी, उसके ठंड होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी शब्द सत्रह के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समानता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मृदुता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मृदुता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चिन गई हुई, नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगह था। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण
दोस्तों पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनों की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे, जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके लेखन अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को। उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुए देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांस में की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी यादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरहों की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शहर की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की बढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन, अपने फुसफुसा है, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली
उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनके समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की ब्लूप्रिंट की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो अथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियार की उनकी आंखों में मिली किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नजरों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब एक शीर्षक पर एक साझा हंसी एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी उसके ठंड होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सुत्रा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसमें उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव किताबों की फर्श पर गिर गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मेधता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मेधता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुन गई हुई नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगरी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था, बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार नुकसान दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं युवा रोमांस के उत्साह दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों के भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगह था। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदय के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी के दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में विदायम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की
तरह मायावी हो गए थे। फिर वो अपने जीवन के आई न्याय की बिल्कुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश की टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो उस सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी ओर आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर्षित जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी उनके लिए। एक उसके लेखन अपरोध की परवाह नहीं की उनके, उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुए देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्र के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी, वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संसर्ग, भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वरनों की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की भरा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा, उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता शहर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत, उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है, उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी। उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे, एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग की गहराई रखती थी जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के। उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की, उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समानता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है।
उत्थान के अन्याय की, अपनी ताकत के ललीचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय के अथन में एक संवेदनशीलता की मैदता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुन गई हुई। नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनके ही बातें चिंगड़ी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है ये। कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है। और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रमाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों की भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के और उनकी पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन और राजेंद्रन और उन दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदय के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ी की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक भरोसेमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया। लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश की टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। अथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छीछे आदमी को, उनके उसके डर, उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुए देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुंबन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा। उनके उस
शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था, लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्कारों की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरहों की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता शहर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर रंतना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंडहोंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था। दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सत्रह के आकाश के रंग की गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई। जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके, उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के। उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की, उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिशत समानता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की, अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मृदुता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मृदुता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती गई। चुनौती हुई नज़रों लंबे स्पर्श बदल गई, उनके ही बातें चिंगड़ी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे भी, लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रमाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है जो दर्शकों भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के और उनकी पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन राजेंद्रन और उन दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदय के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है।
एकदम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवपना की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में विदायम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया। लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था। उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी चमत्कता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के न्यूयॉर्क के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण था, जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे, जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे। फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे। फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रेरक। लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया, वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अवरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हस चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अवरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को। उनके उसके डर, उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते। तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है, तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव, उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुए देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। यह सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांस में की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा। उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संसर्ग, भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शरण की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शरण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है एथन अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय की लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई। वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियर की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नजरों की हुई, आँखों
कोने में कैद छुप लिया, एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर रंतना पा रही थी, उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है, उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंड होंठ एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी, उसकी में शब्द सूत्र के आकाश के रंग की गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिर गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रोत्साहित समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी, बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मैदता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनौती हुई, नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबूलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे भी, लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है। और उनके जीवन के विभिन्न चरणों के सही रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रमाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगह था। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन और राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म की रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवता की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, बसकों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब वो खाली दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे, जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। अथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर्षित जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी।
उनके लिए एक उसके लिखने और प्रोत की परवाह नहीं की। उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को। उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते। तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है, तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो, पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रह गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी, वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है। जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर शहर की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी। एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और शहर की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनकी समझता सर के बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियारी की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों कोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। अंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंडहोंट एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अंथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी में शब्द सुतरा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसने उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिली गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के। उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की, उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी। उन्होंने साझा जुनून पर प्रतिसाहित समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अन्याय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में न्याय की अथन में एक संवेदनशीलता की मैदता पार, जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई, वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनवाई हुई। नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनके ही बातें चिंगरी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे। प्यार, नुकसान, दोस्ती और आत्मा खोज की एक मार्मिक खोज है। ये
कैंपस जीवन की जटिलताओं, युवा रोमांस के उत्साह, दिल टूटने की दर्द और वयस्क जिम्मेदारियों के निभाने की चुनौतियों का आधारित है। अरुण के जीवन के विभिन्न चरणों के सहित रूप में गुजरने वाली कहानी के साथ हृदयम मानवीय अनुभव का एक भरोसेमंद और प्रामाणिकता चित्रण प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों भावनाओं के विस्तृत श्रृंखला की जगाता है। हृदयम के भावनात्मक पूरी उसके प्रतिभाशाली कलाकारों की कंधों पर टिकी हुई है। प्रणव मोहनलाल ने फिल्म की नामक और नीलकंठन का किरदार निभाया है। हम प्रणव के सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से करुण के एक लापरवाह कॉलेज छात्र से एक जिम्मेदार वयस्कों के परिवर्तन के देखने के कल्याणी प्रियदर्शन के अरुण की पत्नी निभाए बाल गोपाल को जीवंत किया है। उनके चित्रण से उनके रिश्तों के गमजोशी और जटिलताओं की एक परत जोड़ देती है। दर्शन और राजेंद्रन अरुण दोस्त पूर्व प्रेम की रूप में चमकती है। उनका किरदार यादों की जगह है और पहले प्यार की कड़वी मीठी प्रकृति को उजागर करती है। साथ में यह तिक्री आकर्षक प्रदर्शन के जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हृदयम के प्रेम हानि और आत्मा खोज की वास्तव में जोड़ती है। हृदयम के दिल के छू लेने वाली कहानी सिर्फ आलोचनाओं की पसंदीदा ही नहीं थी बल्कि इसके दर्शकों को भी प्रतिभावित किया। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता दिलाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। 2022 से तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म की रूप में अपनी जगह पक्की की। ये प्रतिभाशाली उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि फिल्म हर पीढ़ की दर्शकों के जुड़ते सक्षम है। बेहतरीन अभिनय, एक फर्शमंद व्यवस्था की कहानी और एक शक्तिशाली मानवपना की एक सफलता योगदान देता है। उसके बाद फिल्म में हृदयम की एक बेहतरीन फिल्म में रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। उनके जीवन रक्षकों के नृत्यों, वयस्कों की लय और कहानियों की सिपनी के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए यात्रों के माध्यम से दुनिया गाड़ी प्यार में बढ़े और दिल टूटने का अनुभव किया, लेकिन अब जब बुखारी दृष्टों को देखता था तो उसकी आत्मा में एक ठंडा खालीपन छा गया था। प्रेरणा कुआ जो कभी बहता था सूक्ष्म गया था, उसने उसके लिए शहर की दोषी ठहराया। न्यूयॉर्क और अपनी कथन गति और ऊंची उदासीनता के साथ एक धीमी सहज की तरह उनकी रचनात्मकता की सभा गया था। यह शायद कि एक दूसरे उत्पादन के यूट के सदियों पुराना अभिशाप था। जो भी करण थो जो शब्द आमतौर पर स्वतंत्र रूप से बहते थे जब एक प्रेम की तरह मायावी हो गए थे, फिर वो अपने जीवन के आई अन्याय की ब्रिकुल की दुनिया में रंगों का बाउंडर था। उसकी हंसी और एक तूफानी आकाश के टूटी हुई धूप की तरह थी और उसकी आंखों में एक सागर की गहराई थी। वो सब कुछ थी जो उसके पात्र कभी बनाना चाहते थे, फिर भी वो वास्तविक थी। यथन के खुद को उसकी और आकर्षित पाया, उसकी आत्मा के मोहित हो गए। वो एक प्रेरणा थी, एक चिंगारी, एक प्रतिरोधक, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा होता गया वैसे वैसे उसका लोकप्रिय अपरोध थी भरता गया। वो उसके प्यार को शब्दों से नहीं बयां कर सकता था। हर प्रयास उसे हर चीज जीवन महिला की एक फीकी नकल के जैसा लग रहा था, जैसे वो जानता था ऐसा अलग थी। उनके लिए एक उसके खिलखिले अपरोध की परवाह नहीं की उनके उसे देखा लेखक की नहीं बल्कि शब्दों के पीछे छिछे आदमी को, उनके उसके डर उनकी असुक्षों की सुना और उसने अंधेरे में उसका हाथ थामा। तुम एक कहानीकार हो एथन, एक कहानी उसके आवाज़ नरम और आश्वस्त करने वाली होते तुम्हारा जीवन उसके बड़ी कहानी है। तुम्हें बस इसे लिखने की तरीके खोजना है। उसने दबाव उम्मीदों की सफलता के डर को समझाने की कोशिश की लेकिन वो केवल सुकुराई की उसका हाथ दबाया। क्या होगा अगर उसने एक शाम सुझाव दिया जब वे शहर की रोशनी की टिमटिमाती हुई देखा रहे थे, क्या होगा अगर तुम हमारे बारे में लिखो पात्रों के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक लोगों के रूप में, तुम्हारी कहानी तो हमारी कहानी। एथन दंग रहा गया। ये इतना सरल था कि फिर भी इतना क्रांतिकारी। वो काल्पनिक दुनिया बनाने की पर इतना केंद्रित था कि वो मूल भाग का था। सबसे सम्मोहक कहानी उसके सांसों की थी। नए उद्देश्यों के साथ नए एथन ने लिखना शुरू कर दिया लेकिन इस बार उसने कथानक का चरित्र पाप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने लिखा कि कैसे न्याय की खसी और उसके दिलों को उड़ा दिया। उसने साझा किए गए शांत क्षणों, चुराए गए चुम्बन, अंतरिक्त बातचीत के बारे में लिखा, उनके उस शहर के बारे में लिखा जो कभी जेल जैसा लगता था लेकिन अब उनके प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। शब्द सहजता से हृदय से भरते थे। ऐसा लगता था कि उसके कोई बांध टूट गया हो और उसकी रचनात्मक द्वार खुल गए हों। उसने डर, संस्थाओं की भेदता और प्यार के पढ़ने की सच्ची अनफील्ड सुंदरता के बारे में लिखा। आत्मा उनकी प्रेरणा स्रोत, उनकी विश्वास पात्र उसकी उस सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने उन्हें उनकी आवाज़, उन्हें जुनून और कहानी कहने की शक्ति में उनके विश्वास की फिर से खोजने की मदद की है।
जैसे जैसे एथन के लिखा उसके प्यार गहरा होता गया। उन्होंने साथ मिलकर स्वर्ण की खोज की, छिपे हुए रत्नों की खोज की और ऐसी दाहियादें बनाई कि जीवन भर रहेंगी। उसकी ये कहानी इस विश्वास का प्रमाण थी कि प्यार सब कुछ जीत सकता है। यहाँ तक कि सबसे जिद्दी लेखनियों वगैरह की भी एक शाम जब वे अपनी छत पर बैठे थे और स्वर्ण की रोशनी देख रही थी, एथन ने आखिरी अध्याय पूरा किया। उसने उसे न्याय की पढ़ा दिया होता है। एक तो लंबी समोसों की छा गई, फिर भी न्याय की उसकी ओर देखा। उसकी आंखों खुशी और आंसुओं से चमक रही थी। ये सुंदर है, एथन अपने फुसफुसाए, मैंने अब तक की बीरी किसी भी कहानी से अधिक सुंदर है। जैसे शहर की रोशनी उसके चारों ओर चिमटवा रही थी, एथन को पता चल गया है कि ऐसे ना केवल एक प्रेम कहानी मिली बल्कि एक उत्कृष्ट कृति मिली। ये दिल से पैदा हुई एक कहानी सिनेमादारी और मृदुता के साथ मिली, उस व्यक्ति के साथ साझा की गई और जो व्यक्ति के उनके समझता सर के बीच बीच एक छोटी सी किताबों की दुकान पर उनकी मुलाकात हुई। न्याय के लुपिन की एक सरता एक बचने के लिए कहाँ गई, वो एथन को अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा बांधने के लिए वहाँ गया था। गुलियारे की उनकी आंखों में मिली, किताबों के लिए साझा प्यार में शुरू हुई एक खामोशी बातचीत। उनकी शुरुआत चोरी छिपे नज़रों की हुई, आँखों इकोने में कैद छुप लिया। एक बहुत ही किताब, एक शीर्षक पर एक साझा हंसी, एक प्रिय लेखक से सहमति की एक झलक, वे उनके अनकहे संबंध के निर्माण खंड थे। वे दोनों उनकी आत्माएं की एक ही जगह पर सांत्वना पा रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी बिना एक भी शब्द बोले। मंथन अक्सर खुद को आत्मा के देखता हुआ पाता है। उनकी एकाग्रता निगाह किताब पर भी, उसके ठंडहोंट एक सूक्ष्म मुस्कान से बदल गए थे। एक वो रहस्य के जिसे वो सुलझाना चाहता था, एक कहानी जिसे वो लिखना चाहता था, दूसरी ओर न्याय और अथन की तीव्रता की ओर आकर्षित थी। उसकी शब्द सूत्रा के आकाश के रंग ये गहराई रखती कि जिसमें उसे आकर्षित किया। उनकी पहली बातचीत आकस्मिक थी, संस्करण गलियों में एक टकराव, किताबों की फर्श पर गिली गई, जैसे ऐसे भी उन्हें पठाने के लिए झुके उनकी उंगलियों आपस में टकराई गई, एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, उनके बीच चुंबकीय आकर्षण के एक मौन स्वीकृति। वे किताबों की दुकान पर मिलते गए, किताबों के लिए उनका साझा प्यार के बढ़ते आकर्षण के एक सुविधाजनक बाधा के उन्होंने हर चीज पर कुछ ही नहीं के बारे में बात की। उनकी बातचीत सहजता से आगे बढ़ी, उन्होंने साझा जुनून पर प्रोत्साहित समझता है और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती सपनों की खोज की है। थन के अनाय की अपनी ताकत के ललिचपन खोज की उनकी प्रशंसा करता। वो एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, उनके पीछे जाने में नहीं डरती थी। बदल में नाय की अथन में एक संवेदनशीलता की मैदता पार जिसके उसे लालसा की। वो एक ऐसा आदमी था जो उसे हंसा सकता था और जो अपनी भावनाओं को दिखने नहीं सकता था। जैसे जैसे उनकी मैदता गहरी होती गई वैसे वैसे उनकी चाहत भी बढ़ती की चुनवाई हुई, नजरों लंबे स्पर्श बदल गई, उनकी ही बातें चिंगड़ी की कबुलनामे की बदल गई। वे गिर रहे थे लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया था। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल थी और वे दोनों उनकी निरंतर गति में फंस गए थे।